हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद वैष्णवी। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंगल लीप से ग्रो होने वाले प्लांट्स। तो पहला प्लांट है हमारा फेवरेट जीजी प्लांट। तो इसको आप लीप से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लीप प्रोपोगेशन के बाद यहाँ पे नीचे बल्ब होता है, बट आपसे स्टेम से क्लोज ही कटिंग लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्लांट है मदर ऑफ थाउजेंड। इसे मदर ऑफ थाउजेंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स आए हुए, इसे हम आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये प्लांट इजी टू ग्रो प्लांट है। इसका पत्ता अगर ज़मीन पे गिर जाए तो ढेरों सारे पौधे आप ग्रो कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये प्लांट दिखने में भी काफ़ी अच्छा है और सक्युलेंट वैरायटी का है। हमारा अगला प्लांट है, वो भी सक्युलेंट ही है, उसका नाम है एलोवेरा। तो एलोवेरा को आप अच्छे से इस तरीके से इसके टिप को तोड़ लीजिएगा, ये नीचे को थोड़ा ड्राई होने दीजिए, उसके बाद इस तरीके से ज़मीन में लगा दीजिए और इसको एक पप ग्रो होगा इस इमेज में दिए हुए तरह। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एक पप आ जाएगा। तो हमारा अगला प्लांट है ये टैंगल्ड हार्ट। टैंगल हार्ट को भी हम अच्छे से लीप प्रोपोगेट कर सकते हैं और ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका लीप प्रोपोगेशन। ये देखिए, एक पत्ता मुझे भी यहाँ पे गिरा हुआ मिला। देखिए इसको कितने अच्छे से रूटिंग हो चुकी है। तो इसी से यहाँ पे नोड से नए प्लांट पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। हमारा अगला प्लांट है ये कलंचुका। आप तो जानते ही हैं कलंचू को आप लीप से काफ़ी आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये जो छोटा प्लांट आपको दिख रहा है ये लीप से ही प्रोपोगेट किया हुआ है। ये इमेजेस में भी आप देख ही सकते हैं, इस तरीके से इसको नए शूट्स आते हैं। हमारा अगला प्लांट है ये पेप्रोमिया का। पेप्रोमिया को भी आप आसानी से लीफ कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और नए पौधे बना सकते हैं इस तरीके से, इमेजेस में आप देख ही सकते हैं। और हमारा अगले प्लांट है सक्युलेंट्स, जिसे इचिवेरियाज, जेली बिन या कोई प्लांट्स होता है, उसे हम आसानी से लीव से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अगर ज़मीन में या कोकोपीट में रख दे तो ये आसानी से ग्रो होते। अगला प्लांट है स्नेक प्लांट। इसका लीव प्रोपोगेशन का वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। अगला प्लांट है ये हमारा क्रिसमस कैक्टस। क्रिसमस कैक्टस भी लीप प्रोपोगेशन के लिए ही बना हुआ प्लांट है। इसी वैरायटी में ड्रैगन फ्रूट भी आता है, इसी वैरायटी में कैक्टस भी आते हैं बहुत सारे, जिन्हें आप लीप से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ऊपर की थोड़ी सी कटिंग लेनी है और उसको ग्रो कर देना है। देखिए इस तरीके से इसको नीचे से रूटिंग आ जाती है। ये मैंने 1 मंथ पहले रखा था और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है। और अभी इसको अच्छे से ग्रो करके हम नया प्लांट बना सकते हैं। तो इसी वैरायटी में जो ड्रैगन फ्रूट है और आपका जो ब्रह्म कमल आता है, ये सारे प्लांट्स आप इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसी लिस्ट में हमारा अगला पौधा है ये पत्थर चिट्टा का। यह मेडिसिनल प्लांट है और इस सिंगल लीफ से काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके नए शूट्स आते हैं। इस तरीके से आप इसको रख दीजिए। बट कुछ प्लांट्स हैं जो बिल्कुल ग्रो नहीं होते, जैसे रबर प्लांट, होयास, क्रोटन्स, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये लीव से ग्रो होते हैं, बट नहीं, इसके लिए छोटा स्टेम का पार्ट चाहिए, क्योंकि स्टेम में ही ये डॉर्मेंट ऑक्सिलरी बर्ड होता है जो नया शूट ग्रो करता है। तो आप ध्यान रखिए, क्रोटन को रूट्स तो आ जाएंगे बट कभी भी वो बड़े प्लांट में ग्रो नहीं होगा, इसलिए। और इसी लिस्ट में मनी प्लांट भी आता है, इसके लिए आपको छोटा सा स्टेम चाहिए। इस तरीके से आपको वीडियो में दिखाते हैं बट ये सही नहीं होता है। चलिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।